के टावर चौराहा क्षेत्र में सोमवार रात एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग का धुआं पास मौजूद एप्पल हॉस्पिटल में घुस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। धुआं आईसीयू सहित अन्य वार्डों में घुस गया, जिससे मरीजों को दिक्कत होने लगी। पुलिस स्टाफ और परिजनों की मदद से मरीजों को अन्य जगहों पर शिफ्ट किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार देर रात एप्पल हॉस्पिटल के पीछे एक टायर गोदाम में आग लग गई। आग लगने से हॉस्पिटल व आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। धुआं ऊपरी मंजिल पर बने आईसीयू सहित अन्य वार्डों में भर गया, जिससे मरीजों को दिक्कत होने लगी। पुलिस ने स्टाफ और परिजनों की मदद से मरीजों को अन्य जगहों पर शिफ्ट करवाया। कुछ मरीजों की हालत गंभीर होने पर सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग एप्पल अस्पताल के पीछे एक टायर गोदाम में लगी थी। टायरों के चपेट में आते ही आग ने पल भर में ही पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में आग की लपटें उठती देख यहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर टीम को सूचना दी। जब तक टीम पहुंची, उसके पहले जल रहे टायरों से उठे धुएं ने पूरे अस्पताल को चपेट में ले लिया। मेरे सिस्टर की अभी डिलीवरी हुई है, उनकी बेटी है छोटी, परसों डिलीवरी हुई और एनआईसीयू में थी वो, और पूरे आईसीयू में यहाँ धुआं भर गया है और इसीलिए सबको शिफ्ट किया जा रहा है। अफरा तफरी मची हुई है यहाँ, करीबन लगभग सारे ही मरीजों को हटाया जा रहा है। यहाँ करीबन 100-150 मरीज तो होंगे ही होंगे। अस्पताल के पिछले हिस्से में आग जनी की उनको घटना मिली थी 10 बजे और उसका पूरा धुआं क्योंकि ऊपर के पांचवी और छठी मंजिल और आईसीयू तक पहुंच रहा था, तो हमने सारे मरीजों को एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के तौर पर अपने नीचे जो रिकवरी ऑपरेशन थिएटर की वहां और ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट कर लिया। टोटल 45 पेशेंट को हमने नीचे शिफ्ट किया, सब लोगों को शिफ्ट कर लिया है और अब किसी को खतरा नहीं है। अपनी आग जो है अस्पताल के पीछे टायर की दुकान में लगी। हाँ सर, किसी मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया है? हाँ, काफी लोगों को अब जो पेशेंट आईसीयू में हो, हाँ सब हमने तो तुरंत ही सभी लोग डॉक्टर से मिले तो अस्पताल। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। संभवतः पटाखों के चलते आग कचरे में लगी हो और गोडाउन तक पहुंची हो। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।